हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये खबर शायद आपने भी सुनी होगी और मैंने भी सुनी है कि पोपटलाल यानी श्याम पाठक जो है वो शो से बाहर हो रहे हैं किन कारणों के चलते। तो चलिए बताता हूँ आपको इसी चीज़ के बारे में कि क्या श्याम पाठक वाकई शो से बाहर होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं, क्या हुई थी बात, कैसे हुई थी। तो चलिए वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें हौसला मिलता है, हिम्मत मिलता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस लाने के लिए। तो हुआ ये था कि दिलीप जोशी यानी जेठालाल और श्याम पाठक यानी तूफान एक्सप्रेस के हमारे पत्रकार पोपटलाल को एक शो के लिए लंदन जाना था। अब हुआ ये कि दिलीप जोशी ने तो बता दिया शो के मेकर्स को कि मैं ऐसे ऐसे करके लंदन जा रहा हूँ और शूट पर नहीं आ पाऊँगा, लेकिन श्याम पाठक ने यानी पोपटलाल ने नहीं बताया और जो शो के मेकर्स थे वो उनका शूट पर इंतज़ार करते रहे। जब वो दोनों वापस लौट कर आए और शूटिंग पे पहुँचे तो शो के मेकर्स और असित कुमार मोदी ने श्याम पाठक को ये कहा कि तुम ऐसे बिना बताए कैसे जा सकते हो शो की, मतलब ये दिक्कत आ रही है हमें शूट पे, हम आपका वेट कर रहे हैं, ये सब बातें जो हैं होती हैं। और इन सब बातों में उन प्रोड्यूसर यानी असित कुमार मोदी और पोपटलाल दोनों के बीच कुछ कहा सुनी हो जाती है, जिससे मेकर यानी असित कुमार मोदी उनको वापस भेज देते हैं घर कि हम तुम्हारे साथ शूटिंग नहीं करेंगे, तुम चले जाओ, तुमसे उनको निकाला जाता है। लेकिन तकरीबन एक हफ्ते के टाइम के बाद पोपटलाल यानी श्याम पाठक अपनी जो है वो गलती स्वीकारते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा और शो में वापस आने के लिए बोलते हैं। और मुझे लगता है कि शो में वो वापस आएंगे, शो के मेकर्स अगर ना चाहते हुए उन्हें माफ़ करेंगे, क्योंकि एक हद तक आप लोग हम लोग पसंद करते हैं उस करेक्टर को, पोपटलाल को इस शो में देखना। तो द कंक्लूजन ऑफ द इस पूरे सीन का ये कंक्लूजन निकलता है कि पोपटलाल यानी श्याम पाठक शो से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, हो सकता है एक दो एपिसोड के लिए उनको आपको ना दिखाई दें, ब्रेक हो जाए और शायद यहाँ चाय वाले जो ये कहानी स्टोरी चल रही है इसमें वो ब्रेक पर भी हैं, लेकिन वो वापस आएंगे, जुड़ आएंगे, कोई आपको ऐसी उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई ऐसी मतलब बात है, वो वापस आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।